कैंट के रामबाग के बाहर बड़ी पार्किंग बनाई गई थी। उसमें लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए बाथरूम भी बनवाए गए थे। इस पार्किंग को बने तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो वहाँ कोई चौकीदार है, जिस कारण लोगों ने शरारती तत्वों से सारा बाथरूम खराब कर दिया। इसमें सारा फ्लश का सामान और पानी वाली सारी टूटी इत्यादि सामान सारा तोड़ दिया और चोरी कर कर ले गए। बाथरूम में लोग नशे के टीके और जुआ खेलते थे, जिससे आसपास के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कब बनाई गई थी? 2 साल से बनी हुई है। तो इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है? इसमें सारा सामान लगा हुआ था, टॉयलेट वगैरह सब लगा हुआ था, सब तोड़ के लोग ले गए। और ये जुए का, शराब का और गलत कामों का, इंजेक्शनों का अड्डा बना हुआ है यहाँ। जब ये बना था तो इसमें टूंटियाँ वगैरह, पानी की टंकी थी? सब थी। तो जैसे अब देखा जा रहा है कि उसमें ना पानी की टंकी टूटियां है, ना फ्लैश है, ना फ्लैश पोर्ट है। तो लोग इसमें नशे के इंजेक्शन लेते हैं और जुआ भी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। तो आपने किसी को अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं करी? लैटरिंग करते हैं यहाँ। कितने साल हो रही है? 3-4 साल। हम परेशान हो गए ना, यहाँ कोई साफ सफाई वाला था ना। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए अम्बाला से अमित कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।